नवरात्रि में ज्वाला देवी के मंदिर पर लग रहा भक्तों का तांता, तपती धूप में भी ले रहे मेले का आनंद। जरुआ खेड़ा नवरात्रि पर्व पर जलंधर गांव स्थित माँ ज्वाला देवी के मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि पर यहाँ मेला भरता है, जहाँ जिले भर से लोग यहाँ आकर दर्शन कर मन्नत मानते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हुई चरणों में श्रद्धा का भेंट अर्पित करते हैं। तंत्र साधना से जुड़े लोग यहां साधना करते हैं। जलंधर स्थित माँ ज्वाला देवी का मंदिर भिंडगिरी पर्वतमाला की श्रृंखला में लगभग 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह शक्तिपीठ अति प्राचीन है। माता की प्रतिमा एवं भव्यता सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। यहां सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां 4 फुट ऊंची माँ ज्वाला देवी की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में 2 शेर पर सवार है। दाहिने पैर पर अंगूठे से सटा हुआ 1 कलश स्थापित है। माता के पीछे चक्रा हुआ है, शरीर के 3 और 9 देवियों के चित्र अंकित है। इसमें सत्यमेव सिद्ध होता है। यह सिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ है। गणेश की विलक्षण प्रतिमा विराजित है। बाजू में नई मूर्ति की भी स्थापना की गई है। महाराजा छत्रसाल करते थे यहाँ साधना। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल यहाँ माँ ज्वाला देवी की प्रति असीम आस्था थी, जो कि चैत्र नवरात्रि पर यहाँ आकर पूजा उपासना किया करते थे। यहाँ का एक क्षेत्र मंजीरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पत्थर आपस में टकराने से मंजीरों जैसी ध्वनि निकलती है। माँ ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए वर्ष में लगभग 2 बार उनके दर्शनों के लिए आते हैं, और जो भी मन में मनोकामना लेके यहाँ पर आए हैं, यहाँ कहते हैं पूरी मनोकामना सभी की पूर्ण होती है। और यहाँ पर दूर दराज के बहुत दूर दूर के लोग माँ ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। माँ ज्वाला देवी देवताओं से पूज लेते, यहाँ पर देवताओं ने इनकी साइड स्थापना किया है। यहाँ पर बहुत प्राचीन स्थल सत्यजीव है। ये महाकाली है, ज्वाला रूप में इनका खुद शांत नहीं होता था। देवताओं ने देवियों ने माता जी से प्रार्थना की, इनका खुद शांत हुआ। सत्यजीव शांत कर विराजमान लोग यहाँ दूर दराजों से आते हैं, दूसरे प्रांतों से भी आते हैं माता जी के दर्शन करते हैं, माता सारी कामनाएं पूरी करती हैं। और विख्यात है ज्वालामाई पथरी का, जो बाहर करा वो पथरी का नाम से पहले जाना जाता है। आल्हा के मुताबिक बाद में वहाँ एक ज्वाला सिंह राजा पैदा हुआ, देवी जी का पूजन करता था। माता जी के द्वारा अवैध काम करना चाहा, चोरी का माता जी ने मना कर दिया। जब वो नहीं माना, मछला खड़ दिया। वहाँ से आवा उदल चढ़ाई किए, चढ़ाई करने के बाद इसका काम तमाम कर दिया, विनाश कर दिया। उसके बाद यहाँ माता जी के बहुत पूजा पाठ अर्चना पूजा पाठ किए, तब से ये स्थान भारी रूप से जागृत रूप में जाना जाता है। सिद्ध स्थान है, लोग अपनी कामना लेके आते हैं। सब की सब पूर्ण